सब्सक्राइब कीजिए अनूप माझा चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए नए अपडेट्स के लिए। हेलो एंड वेलकम। आज की हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि आप घर पे ही कैसे वेस्ट बॉटल से मोबाइल चार्जर बना सकते हैं, और इसके लिए ना ही आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ना ही ज्यादा आपको ज्यादा आर्टिस्टिक होने की जरूरत है कि आप बहुत आर्टिस्टिक हैं तभी आप बना सकते हैं। और ये बहुत ही आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाता है और आपका मोबाइल टूटने से बच जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मोबाइल चार्ज पे लगा देते हैं और सही जगह पे नहीं रखते हैं या चार्जर के ऊपर ही टांग देते हैं, जिसकी वजह से मोबाइल गिर के टूट जाता है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पेपर कटर, चाकू, सीजर्स, फेविकॉल और ये थोड़े से स्पार्कल्स के पैकेट्स। अब सबसे पहले हम इसका रैपर उतारेंगे। उसके बाद अपने फोन का नाप ले लीजिए कि कहाँ तक आपको फोन उसके अंदर रखना है, और उसके बाद मैं आगे की तरफ का निशान लगा रही हूँ, आगे की तरफ जहाँ तक काटना है। किसी मार्कर या स्केच की सहायता से निशान लगा के कटर से थोड़ी दूर काट के फिर कैंची से काट लीजिए, और ये बोतल बहुत आसानी से कट जाता है। ये देखिए मैंने आगे का साइड काट लिया है, अब पीछे की तरफ के लिए मैं निशान लगा रही हूँ। पीछे की साइड लंबी होगी, आप भी किसी मार्कर या स्केच की सहायता से निशान लगा लीजिए। एक्चुअली ये बोतल ट्रांसपेरेंट है इसलिए स्केच उतना दिख नहीं रहा है। अभी जब मैं कटिंग करूँगी तो फिर आपको इसका एग्जैक्ट शेप पता लग जाएगा। ये बहुत इजी है बनाना, 5 से 7 मिनट के अंदर बना सकते हैं। और एक बार आपने ये बना लिया तो उसके बाद आपको मोबाइल गिरने का टूटने का डर नहीं रहेगा। जब भी चार्ज पे रखेंगे एकदम शांति से निश्चिंत होकर आप लगा सकते हैं मोबाइल चार्ज पे। ऊपर की तरफ से थोड़ी सी गोलाई ले रही हूँ मैं। ये देखिए ये शेप है। अब इसको जो एजेस थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं उनको आप सही कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा थोड़े बहुत निकले हुए हैं उनको बराबर कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें फ़ोन डाल के देख लीजिए, जितनी हाइट बॉटल की चाहिए आपको उतनी रख लीजिए। उसके बाद मैं चाकू से ऊपर से थोड़ा सा रब कर रही हूँ जिससे कि इसके एजेस और स्मूथ हो जाए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कैंची से निकाल दीजिए। उसके बाद चार्जर का नाप ले लीजिए ऊपर का, और उसको रेक्टेंगल शेप में ऊपर काट लीजिए मार्कर से निशान लगा के। शुरू में चाकू या पेपर कटर से थोड़ा सा होल करके फिर कैंची से काट लीजिए। ये देखिए कट के तैयार हो गया। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ जो बाहर की तरफ उसे सही कर लीजिए। अब चाहे तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपकी मोबाइल को गिरने से बचाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5-7 मिनट और लगाना तो थोड़े से स्पार्कल, ये 10-15 रुपये में, ये 10-15 रुपये के स्पार्कल में आराम से हो जाएगा। और फेविकॉल अगर घर में पड़ा हो, नहीं तो कोई भी गोंद। ये फेविकॉल का मुँह थोड़ा सा मैंने ऊपर से और काट दिया है, इसको बोतल के ऊपर लगाइए। इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, आराम से इसको पूरा बोतल पे स्प्रेड कर दीजिए। चाहे तो उंगली से ही लगा लीजिए, मैं तो उंगली से ही लगा रही हूँ, जल्दी लग जाता है। ये देखिए इस तरीके से मैं पूरी बोतल पे लगा रही हूँ। ये पूरा फेविकॉल लगा दिया मैंने, और बहुत इजी है स्पार्कल लगाना। अब मैं स्पार्कल को ऊपर से छिड़क रही हूँ,
तो इसमें फेविकॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से ये आसानी से चिपक जाता है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो एक्स्ट्रा जो भी स्पार्कल है वो नीचे झड़ जाता है। अभी मैं प्लेट लगा लिया मैंने, क्योंकि जो एक्स्ट्रा झड़ा हुआ स्पार्कल है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा से छिड़क सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये अपने आप चिपक रहा है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। एक बार बस हमने उंगलियों से, पूरे उंगलियों से फेविकॉल को फैला दिया, ये अपने आप चिपकता जा रहा है। ये इतना ईजी है कि इसे 5-7 साल का बच्चा भी कर सकता है अगर आप उसे बता दें तो। ये पूरे पे हमने स्पार्कल को ऐसे छिड़क दिया और जो भी एक्स्ट्रा स्पार्कल होता है वो अपने आप झड़ जाएगा। आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोंद लगा हुआ है, जहाँ जहाँ गोंद लगा है वो अपने आप चिपक रहा है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जाता है वो अपने आप ही नीचे की तरफ गिर जाता है। इस प्लेट में गिर रहा है जिसको मैं दोबारा से रीयूज़ कर लूँगी। इसी तरह मैंने अंदर की साइड भी लगा दिया और अब ये देखिए तैयार है। अब मैंने क्या किया, ये जो चार्जर की तार है उसको टेप लगा दिया है, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा लंबी तार की ज़रूरत नहीं और ये बहुत ही आसानी से मैं चार्ज कर सकती हूँ बिना फ़ोन के गिरने का डर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।